हेलो बच्चों, 21 जुलाई या CTS 24-4E वेक्टर्स पे आ जाते हैं। वेक्टर्स का टेस्ट बेटा, वेक्टर हार्ट ऑफ फिजिक्स होता है। तो बेटा 50 क्वेश्चनों का टेस्ट है जिसमें से 45 करने हैं। हाँ, जो भी क्वेश्चन मैंने चुन चुन के क्वेश्चन दिए हैं, अगर इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, सही से समझ लेंगे, तो वेक्टर की सारी प्रॉब्लम आपकी क्या है, छू मंतर हो जाएगी। आइए छू मंतर किया जाए वेक्टर्स पे। पहला क्वेश्चन बेटा, बड़ा ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। सिक्स वेक्टर्स ए टू एफ हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेट इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? करा ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। इस तरह से ये वेक्टर दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, एफ दिया है। करा कौन सही है? तो देखो, बी प्लस सी पहले किया जाए, बी प्लस सी देखा जाए क्या जा रहा है। मतलब हमको एफ आना है, एफ का डायरेक्शन ऐसे है, तो बी प्लस सी करोगे बेटा तो बी इधर है, सी इधर है, या फिर इधर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, या फिर इधर आना चाहिए। डी प्लस सी देख लो, डी ऐसे है और सी कैसे है, ऐसे है, तो ये ऐसे, ये भी एफ की दिशा नहीं है, गलत है। डी प्लस ई देख लो, डी डी ऐसे है, टेल ऑन टेल मेथड का यूज कर रहे हैं, ई ऐसे है, तो ये देखो रिजल्टेंट ऐसे आ रहा। हाँ, यही एफ की दिशा, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपने डी पे ई को जोड़कर टेल ऑन टेल मेथड लगाकर ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अब आइए एक के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। जो डार्क वाला है वो वेक्टर है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड। अगर ए प्लस बी जीरो है तो मतलब वेक्टर ए कितना दिया, जरा देख लो, ये दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड क्या है, के कैप है। ये ध्यान दीजिए, वेक्टर बी कितना दिया है, वेक्टर बी कितना है, ये देखिए वेक्टर भी क्या दे दिया है, ये देखिए वेक्टर भी दे दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड क्या दे दिया है, के कैप दे दिया है। ये देखिए वेक्टर भी दे दिया है, मतलब वेक्टर ए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर भी कितना है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। करा वेक्टर ए प्लस बी जीरो है, ये देखिए वेक्टर ए प्लस बी जीरो, चलिए वेक्टर ए प्लस बी जीरो कर दीजिए। वेक्टर ए प्लस बी जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आइए इधर जीरो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप और माइनस बी जेड के कैप। अब देख लीजिए, ये वाला जो कोफिशियंट है आई का, वह आपके इसके बराबर होगा। ये वाला जो कोफिशियंट है बेटा इसके बराबर होगा, ये वाला जो कोफिशियंट है वह क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्लास में मैंने बताया ही इस तरह से रहता है। तो अभी देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा डी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, डी। तो ए एक्स जो होगा वह माइनस बी एक्स के बराबर होगा, ए वाई जो होगा वह माइनस बी वाई के बराबर होगा, और ए जेड जो होगा वह किसके इक्वल होगा, माइनस बी जेड के इक्वल होगा। माइनस किसके इक्वल होगा, बी जेड के इक्वल होगा। ठीक है, अब आइए इन द फॉलोइंग फिगर्स E इक्वल्स देख लीजिएगा। हाँ, कैसे कैसे है, E किसके इक्वल होगा, ये आपको फॉलोइंग फिगर में देखना है। तो जरा सबका तीर देखिए, इसका तीर इधर है, इसका तीर इधर है, सारे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, E किसके इक्वल होगा, A के की B के की A प्लस B के की माइनस A प्लस B के। तो देखो बेटा इस ट्रायंगल में आओ, ये देखो हेड टेल पे है, यहाँ देखो, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज लूप बना रहा है। और आप जानते हैं कम से कम तीन वेक्टर अगर क्लोज लूप बनाते हैं तो उनका वेक्टर रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। कम से कम तीन वेक्टर अगर क्लोज लूप बनाते हैं तो उनका वेक्टर रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। तो ये देखिए, ये क्या है आपका, ये बी है, ये आपका ई है, ये आपका क्या है, ए है। तो यहां क्या हो जाएगा, ई प्लस बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। ई पूछा है बेटा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस ए। तो ई इक्वल टू माइनस बी प्लस ए कौन सही है, ये वाला सही है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आराम से एक चीज को चला जाए, कहीं हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो बेटा। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फॉलोइंग वेक्टर्स। तो याद करो मैंने क्लास में बताया था कि जब भी टेल ऑन हेड होता है तो बाहर का एंगल लेते हैं, और टेल ऑन टेल होता है तो अंदर का। तो यहां देखो बेटा, यहां क्या लग रहा है, ये देखिए, ये हेड लग रहा है, ये टेल लग रहा है, ये हेड लग रहा है और ये टेल, देख लीजिए हेड है और ये टेल है। तो जब हेड और टेल होता है बच्चों, क्या होता है, ये देखिए हेड और टेल है, तो हमेशा ध्यान देना बाहर का एंगल लेते हैं। कौन सा एंगल लेते हैं बेटा, ये देखिए बाहर का एंगल, बाहर का एंगल मतलब समझ रहे हो ना, ये तो यानी ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो गया, ये टेल ऑन टेल है,
ठीक है, इसका मतलब 135 डिग्री। हाँ ठीक है, ये सही है। ये टेल ऑन, ये भी हेड है, ये भी 135 डिग्री। और यहां देखो ये टेल ऑन हेड है, तो हमने क्या कहा था क्लास में, टेल ऑन हेड जब रहेगा तो बाहर का मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा? ए वाला, 45 135 135 45। चार के बाद पांच पे चलते हैं। टू वेक्टर पी एंड क्यू ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अरेंज इन द फॉलोइंग मैनर, अरेंज इन द फॉलोइंग मैनर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो मैंने क्लास में बताया था कि बेटा जैसे जैसे वेक्टरों के बीच का एंगल कम होता जाता है, वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वेक्टरों के बीच का एंगल कम होता जाता है, वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। तो यहां देखो, जैसे जैसे वेक्टरों के बीच का एंगल कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है? कम। जैसे जैसे ध्यान दो, टू वेक्टर पी एंड क्यू ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अरेंज इन द फॉलोइंग मैनर, ये देखिए अरेंज इन द फॉलोइंग मैनर। तो जैसे जैसे उनके बीच का एंगल कम होता जा रहा है, तो किसके बीच का कम है सबसे? सबसे कम है 45, तो ये ज्यादा होगा। फिर उसके कम कौन होगा? ये होगा। उससे कम कौन होगा? ये। और सबसे कम कौन होगा? वन वाला। तो इसका मतलब डी वाला सही है। ठीक है ना भाई, छोटी छोटी बातें। फिर आ गए रिजल्टेंट पे, फिर आ जाए। करा फॉर फिगर द करेक्ट रिलेशन इज, कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है? तो जरा देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले फिर उसी तरह का ट्रायंगल है, ये देखिए ए दिया है और ये देखिए बी दिया है। ये देखिए टेल ऑन, इसका टेल हेड पे, इसका टेल हेड पे, इसका टेल, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू क्या? जीरो। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू क्या? जीरो। मतलब ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस ई कहीं जीरो है? एकदम है। तो सिक्स का ये कौन सा होगा? ए वाला होगा। अब चलते हैं सिक्स पे भैया। सेवन क्या कहते हैं? सेवन क्या कह रहा है? सेवन कह रहा है थ्री फोर्स आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। तो बेटा इसके लिए देखिए कम से कम कितना फोर्स इसमें लगेगा, कम से कम कितना फोर्स इसमें लगेगा? ठीक है ना भाई, कम से कम थ्री फोर्स आर एक्ट ऑन ए पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द, हाँ फिगर। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, हाँ कम से कम कितना हाँ लगेगा। तो ये देखो बेटा, अगर सारा फोर्स वाई डायरेक्शन में रहता है, क्या रहता है सारा फोर्स, इसका मतलब यक्स एक्सिस का सब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? बोलो, यक्स एक्सिस का सब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। सारा फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में हो तो यक्स एक्सिस का सब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सोच के देख लो, यक्स एक्सिस का सब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां यक्स एक्सिस का रिजल्टेंट मतलब क्या कहने, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में जोड़ा गया होगा, यानी सिग्मा एफ एक्स प्लस एफ, क्योंकि भैया अगर जोड़ा जाएगा तभी तो इसको कैंसिल करेगा, तभी तो जीरो होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए दो है तो ये माइनस दो आ जाएगा, चार है तो माइनस चार, माइनस चार है तो प्लस चार होगा, तभी तो उसको कैंसिल करेगा। अब वन का जरा कंपोनेंट हम एक्स में देखते हैं, तो वन का ये वाला कंपोनेंट देखो, वन साइन थर्टी हो जाएगा, वन साइन थर्टी हो जाएगा। ये देखो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? फोर कॉस सिक्सटी हो जाएगा। और देखिए ये थर्टी कितना हो जाएगा? ये टू साइन थर्टी हो जाएगा। तो देखो ये इधर वाले सारे कंपोनेंट पॉजिटिव रहेंगे, इधर वाले सारे निगेटिव रहेंगे, तो वन साइन थर्टी, ये देखिएगा वन साइन थर्टी, वन साइन थर्टी प्लस टू साइन थर्टी, टू साइन थर्टी, टू साइन क्या हो गया? हाँ ध्यान दीजिएगा, टू साइन हाँ थर्टी, वन साइन टू साइन थर्टी, टू साइन हाँ थर्टी, टू साइन थर्टी, और माइनस फोर कॉस सिक्सटी, माइनस फोर कॉस सिक्सटी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। देखिएगा माइनस फोर कॉस सिक्सटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान दे, माइनस फोर कॉस सिक्सटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो माइनस फोर कॉस सिक्सटी इक्वल टू जीरो, या साइन थर्टी कितना हो गया? वन बाई टू, टू बाई टू माइनस फोर, वन बाई टू इक्वल टू जीरो। वन बाई टू का मतलब वन बाई टू, टू बाई टू का मतलब वन, टू इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करिए। अरे एफ भी तो है, एफ कहाँ नहीं लिखा हमने, एफ भी तो है। तो ये कितना हो गया? माइनस जीरो पॉइंट फाइव प्लस एफ इक्वल टू जीरो, या एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा। एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट हाँ फाइव, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो पॉइंट फाइव। तो ये देखिए एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव न्यूटन हो गया। ठीक है, सी सात का सी। चलते हैं आठ पे, देखते हैं। ए पार्टिकल इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय फोर फोर्स 30 न्यूटन ड्यूइस्ट।
चलो भैया 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ है, आ जाओ 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ है, चले आए। अब फिर 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, आ जाओ 20 न्यूटन किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, चलो भैया 50 न्यूटन इधर आ जाओ। 40 न्यूटन ड्यू साउथ, चलो आ जाओ। द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, तो अब इसके लिए देखिए 40 इधर है 20 इधर है, तो पहले 40 और 20 का रिजल्टेंट निकालिए। 40 और 20 का रिजल्टेंट देखिए 20 होगा। 50 और 30 का रिजल्टेंट निकालिए, 50 और 30 का रिजल्टेंट कितना होगा 20। और ये देखिए ये रिजल्टेंट आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20√2। 20√2 किधर हो जाएगा, ये वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। 20√2 किधर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और ये किधर होगा 45 डिग्री, अरे साउथ वेस्ट भाई, साउथ सॉरी 45 साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कोई है ऑप्शन, साउथ टू वेस्ट, हाँ सही है 20√2 साउथ टू वेस्ट। ठीक, अब आ जाइए इसमें 9 क्वेश्चन क्या करा है, करा है टू फोर्स F1 F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ अदर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। अच्छा, तो मान लीजिए एक को हम क्या मानते हैं, F मान लेते हैं, F2 को हम 2F मान लेते हैं, ठीक है। और भैया रिजल्टेंट जो हो गया वह 2F हो गया, तो कह रहा उनके बीच का एंगल बताइए, तो एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 कितना, cos थीटा, 2F1F2 कितना हो जाएगा cos थीटा। R कितना है जरा बताएंगे, R कितना है, R R R R कितना है भैया, R का मतलब हो गया, R का मतलब 2F, ये भी 2F है, 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर अब प्लस 2 4F स्क्वायर cos थीटा, कैलकुलेशन समझ रहे हैं ना, 4F से 4F स्क्वायर कट गया। अभी देखिए 4F स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया -F स्क्वायर कट गया, cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया -1/4 या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/4, सी वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, सी सही। 10 पे आते हैं, 10 क्या कर रहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक छोटी छोटी चीजें बेटा बहुत आसान, हाँ कर रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्या कर रहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ शोन फोर्स, ठीक है। ये देखिए आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ शोन फोर्स, तो ये देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्यों भैया देखो ये 30 डिग्री है 60 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल देख लो, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, कितना आएगा 120 डिग्री, देख लीजिए इनके बीच का एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, देखिए 30 है तो इनके बीच का एंगल कितना जाएगा 120। अब रिजल्टेंट किधर हो जाएगा भाई, इधर देखो रिजल्टेंट हो गया, क्यों देख रहे हो रिजल्टेंट किधर हो जा रहा है, देखो रिजल्टेंट इधर हो गया भाई, ये 10 न्यूटन है 15 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट किधर हो जा रहा है, इधर की तरफ हो जा रहा है, देख लीजिए रिजल्टेंट आपका इधर की तरफ हो गया, क्यों सही है ना, तो देख लीजिए। अब रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 10 15 cos 120, इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो आपका ए वाला आ जाएगा, ठीक है सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज मतलब ये एक चीज ध्यान देना, इधर कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही रिजल्टेंट लगे, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है ना, रिजल्टेंट ऐसे भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है, जैसे हमने ऐसे बनाया था तो ये बेटा इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 120 है और 10 और 15 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना, हाँ तो चीज ध्यान केयर करना। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स फॉलोइंग, अब देखो इसमें तो ध्यान दीजिएगा एंगल 60 डिग्री मत दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये टेल ऑन हेड है, टेल ऑन हेड का मतलब क्या है, ये देखिए इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हो जाएगा, तो 120 डिग्री याद रखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए 120 डिग्री का मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 20 20 और cos 120, cos 120 कितना होता है -1/2, सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा, सब सॉल्व करेंगे तो 11। 12 देखिए, एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्स 2F एंड √2F एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज √2F, करा एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्स 2F एंड √2F सो दैट रिजल्टेंट फोर्स √2F, तो इसके लिए वही फार्मूला आपके पास है, क्या है R का स्क्वायर इक्वल टू क्या A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, देखिए √2F का मतलब 10F स्क्वायर, ए का मतलब कितना हो गया 4F स्क्वायर, ये कितना हो गया 2F स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 √2 4 √2 F स्क्वायर cos थीटा,
चलिए सॉल्व करिए कुछ, चार दो छह मिलके चार एफ स्क्वायर आ गया, चार एफ स्क्वायर इक्वल टू फोर रूट टू एफ स्क्वायर क्या कॉस थीटा, चार से चार कटा एफ स्क्वायर से कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई रूट टू हो गई, कितने की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री की, कितनी की होती है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री आ गया इसमें। फिर चलते हैं बेटा तेरा, 100 कोप्लेनर फोर्स इच इक्वल टू 10 एन एक्ट ऑन ए बॉडी, इच फोर्स मेक्स एंगल 5/50, कह रहा है कि प्रीसीडिंग फोर्स व्हाट इज द रिजल्टेंट। मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर दो फोर्सों के बीच का एंगल 2π/n है, कितना है 2π/n है, तो पक्का वह एक दूसरे से क्या है क्लोज लूप बनाएंगे, ठीक है, वह क्लोज लूप पक्का बनाएंगे। जैसे क्या कहने का मतलब, ये देखिए 2π/n, 2π/n का मतलब 2π/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 2π/100 का मतलब π/50 हो जाएगा। तो ये देखिए जब भी इसके बीच एंगल बनाएंगे तो ऐसे आएगा, फिर इसके बीच बनाएंगे तो ऐसे आएगा, फिर इसके बीच बनाएंगे तो ऐसे आएगा, फिर इसके बीच बनाएंगे तो ऐसे आएगा, तैसे करके ये क्लोज लूप बन जाएगा, और क्लोज लूप बन जाएगा तो उनका वेक्टर रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो हो जाएगा, उनका वेक्टर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो 100 कोप्लेनर फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी, ईच फोर्स में कितना, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। 13 के बाद 14 पे चलते हैं। 14, पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ ए बी सी डी शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ध्यान दीजिए भैया, पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ ए बी सी डी शोन इन द फॉलोइंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन डी एच। तो अब देखो बेटा यहां क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इसके और इसके बीच की क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्यों वही होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल और किसके बीच का, फाइनल पॉइंट के बीच का। तो बेटा एक पॉइंट ए है और बेटा एक पॉइंट ए है, अब देखो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये चार और तीन है तो पक्का ये पांच होगा, ये पांच हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10 मीटर। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। फिर चलते हैं, हाँ 15 क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, के का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो 1 कितना हो जाएगा 3। बहुत आसान क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, तो फिर क्या कर रहा है, एंगल विच द वेक्टर एक्स वाई जेड। तो अब आप क्या करिए, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मान लीजिए वेक्टर ए ये है, ठीक है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप दिया है, तो चलिए जरा ए का मैग्नीट्यूड निकाल दें, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 1+1+2, यानी रूट में कितना हो जाएगा 6, रूट में कितना हो गया 6, सही है ना, रूट टू का मतलब दो ही होगा, 1 रूट 6 हो गया, कितना हो गया रूट 6 हो गया। तो द एंगल विच वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, ठीक है, ये बना रहा है, तो ये देखिए ए का मैग्नीट्यूड हमने लिया, ए का मैग्नीट्यूड 1+1+2, अरे 2 × 2 = 4 होता है, अरे हमने 4 का स्क्वायर √2 होता है, क्या होता है 2। अब देखिए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा 1/a 1/2, यानी कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60, अल्फा 60 आ गया, कितना आ गया 60। फिर कॉस बीटा, कॉस बीटा भी इसका कोफिशियंट कितना है 1/2, ये कितना आ गया कॉस 60 आ गया। फिर देखिए कॉस गामा, कॉस गामा कितना हो गया भैया √2/2, √2/2 का मतलब 1/√2, 1/√2 का मतलब कॉस 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया 45, तो 60 60 45 है, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। सिर्फ 17 क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, करा वेक्टर ए दे दिया है, गामा इज द, मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन, तो बच्चा आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा ए का, हाँ मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, तो a = √3i cap + 8√3j cap + 10, देन व्हाट विल बी द गॉस गामा, गामा इज द एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो चलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा देख लेते हैं, तो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, ए में का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट आई का कोफिशियंट 6√3 का स्क्वायर, ये देखिए 6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर
और प्लस 10 का स्क्वायर, ये बताइए 6√3 का स्क्वायर कितना हो गया? छत्तीस, छत्तीस तिया 108, 8 3 24, 72, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना हो गया 108 और 72, 180। अरे भाई क्या जाएगा, कहीं गलत तो नहीं है ना? 6 6 36 3, 36 3 कितना होता है देखो, सही तो है, यानी कितना आ गया ये 108 और 72। ये देखिए थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम ध्यान दीजिएगा आप लोग, 180 प्लस 100, 180 प्लस 100, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 6√, अच्छा 64 3 होगा भाई, यहाँ गड़बड़ हो गया, 64 3 192 होगा बेटा, 192 होने से बड़ा अच्छा हुआ 400 आ जा रहा है, 400 का मतलब कितना हो गया 20। चलिए बहुत अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, जेड एक्सिस का, तो जेड एक्सिस का निकालने के लिए क्या करेंगे याद करिए, हाँ जेड एक्सिस का निकालने के लिए कॉस गामा इज इक्वल टू 10/20, 10/20 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब बोलिए, 1/2 का मतलब, अरे बोलिए बोल दीजिए, 1/2 का मतलब कॉस 60, यानी गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारों, 60 डिग्री, गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये देखिए गामा 60 डिग्री हो गया, तो देन व्हाट विल बी द कॉस गामा, गामा इज द एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव जेड एक्सिस, गामा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन, करा डायरेक्शन कोशाइन ऑफ वेक्टर आर इतना इतना, देन व्हाट इज द वेक्टर, तो डायरेक्शन कोशाइन दे दिया, कॉस अल्फा की वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है कॉस अल्फा, तो ये देखो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/3 दिया है, वो कॉस बीटा की वैल्यू 1/3 दिया है, कॉस गामा की वैल्यू √7/3 दिया है, देन द वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ आई जे के, आई जे के फॉर्म में आपको वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहली चीज ये बताइए कॉस अल्फा दे दिया है, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, कॉस गामा की वैल्यू कितनी है √7/3 है कि नहीं, √7/3 ठीक। तो अब आप क्या करिए, आपको वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, तो वेक्टर होता कितना है जरा बताइए, वेक्टर ए इक्वल टू होता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड क्या होगा के कैप होगा, पक्का इन होता है, तो कॉस अल्फा होता क्या है ए एक्स अपॉन ए होता है, ये देखिए ए एक्स अपॉन ए होता है, तो एक्स अपॉन ए का मतलब ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी हाँ 3 के टर्म में, यानी ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा कट पिट के, ये भी 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 3, ये भी कट गया 3√7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3√7, तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए भैया, ये कितना हो गई 3i हो गई, ये क्या हो गया 3j हो गया, और ये कितना हो गया 3√7, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब आइए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ ए दिया है बी दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, याद करिए क्लास में मैंने बताया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी कैप, या इसी को लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन बी, चलिए ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आइए ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो देखिए भैया ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 2i और i कितना हो जाएगा -2, 3j 9, माइनस k और 4 -4, ठीक है, और अपॉन क्या हो गया b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड कितना होगा जरा देख लीजिए 1339 4416, अभी देखिए 4 2 6 9 में से 6 जाए कितना बचेगा 3, हाँ 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, और ये 16/25√26, तो क्या हो जाएगा 3/√26, फार्मूला याद रहे नीट में आ चुका है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 2√3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज 2, ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर द एंगल बिटवीन देम, स्केलर प्रोडक्ट ध्यान देना ए डॉट बी कितना है 2√3 है, और वेक्टर प्रोडक्ट इसका कितना है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिएगा वेक्टर प्रोडक्ट कितना है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी कितना है 2 है,
चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टू टू कट गया, टू टू कट गया, देखिए टू टू कट गया, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रूट थ्री हो गया, टेन थीटा रूट थ्री, कितने की वैल्यू रूट थ्री, ना भैया कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू रूट थ्री, कितने की वैल्यू कॉट में, कॉट थर्टी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया थर्टी, ट्वेंटी का ए। आइए 21 assertion agent टाइप के क्वेश्चन, तो assertion agent टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्स वाई जेड एक्सिस, वैल्यू ऑफ ईच इट्स कंपोनेंट विल बी ए बाय रूट थ्री, ठीक है भैया समान एंगल बना रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या वन, थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा वन बाई थ्री, सॉरी ये या कॉस अल्फा क्या हो जाएगा वन बाई रूट थ्री, कोई कंपोनेंट, कंपोनेंट कितना होता है एक कॉस अल्फा होता है, इसका मतलब ए बाई रूट थ्री, यानी एकदम सही कह रहा है, ससन सही कह रहा है, और रीजन है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है वन, तो रीजन भी एकदम सही कह रहा है, तो असरसन और रीजन दोनों सही है, रीजन असरसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, हाँ अरे भाई इसी से तो आखिरकार वह निकला है, तो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 21 के बाद 22 पे चलते हैं, करा है ए है बी है सी है, ए प्लस बी और सी के बीच का एंगल निकालना है, तो पहले ए और बी को जोड़ना पड़ेगा आपको, आइए ए और बी को जोड़ते हैं, ए और बी को जोड़ेंगे कितना होगा, दो एक तीन आई, और जे जे कितना हो जाएगा टू जे, थ्री के में से के जाएगा, ये देखिए थ्री के में से के जाएगा, कितना बचेगा के, ठीक है भाई टू आई और आई को जोड़ेंगे कितना होगा थ्री आई, जे और टू जे को जोड़ेंगे, अरे जे जोड़ेंगे कि क्या करेंगे भाई, ये कहीं ऐसा गड़बड़ा रहा है, थ्री जे और थ्री के में से कहीं भी गड़बड़ा है तो फिर आने वाला नहीं है, ध्यान देना, सी इक्वल टू सिक्स आई माइनस टू जे माइनस सिक्स के, तो पहले इन दोनों को जरा डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, अट्ठारह तीन दुनी छह और ये क्या हो गया के में कहीं गड़बड़ा गया, यहाँ दो के होगा बानस बार, ये खटपीट के तो क्या हो गया चार, तो ये बताइए अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो इसका मतलब इनके और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, इनके इनके बीच का एंगल क्या है 90, ये वाला ठीक है भाई। इसके बाद तेज चलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर वैल्यू ऑफ टू गिवन वेक्टर, ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टू गिवन वेक्टर 17 and 7, चलिए भैया मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है जरा बताइएगा, मैक्सिमम कितना होता है ए प्लस बी कितना दिया है 17, मिनिमम कितना दिया जरा बताना ए माइनस बी इक्वल टू 7, ठीक है तो पहले ए और बी को निकाल लीजिए, ए और बी को ये कट गया, टू ए इक्वल टू क्या हो गया, टू ए इक्वल टू 24, ए इक्वल टू 12, ए की वैल्यू 12 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ए की वैल्यू अगर 12 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ए की वैल्यू अगर 12 रखेंगे बी की वैल्यू 5, कह रहा है कि भैया अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, ये 12 है ये 5 है, तीन के परपेंडिकुलर है तो आर इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कितना 13, यानी कितना हो जाएगा 13, तो 23 का ये हो गया। 24 इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी 3:1, ठीक है भाई इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी 3:2, मैक्सिमम कितना हो गया ए प्लस बी, मिनिमम कितना हो गया ए माइनस बी, कितना हो गया 3/1, कितना हो गया, तो कह रहा है ए और बी में रिलेशन, कोई बात नहीं ये देखिए ए प्लस बी कर दीजिए, 3a माइनस 3b कर दीजिए, 3a में से गया 2b कर 2a कर दीजिए, और ये कितना कर दीजिए 4b कर दीजिए, मतलब a का किसके b के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में है, हाँ मैग्नीट्यूड में होगा जैसे होगा ठीक, वैसे तो आ जा रहा है सही है, ए इक्वल टू 2b सही है, 24 25 ए प्लस बी वेक्टर में है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 1 देन द एंगल बिटवीन, तो ये तो आप भाई बड़े आसानी से कर लिए होंगे, इसका मतलब यही वाला क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसका मतलब पक्का दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये तो आप जानते ही होंगे, इसको तो मैंने रटाया था लिखवाया था, क्या है 90 डिग्री होगा। 25 के बाद 26 क्वेश्चन, वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स इन ए प्लेन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, सी इज द अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, तो ये देखो जब भी कोई तीसरा वेक्टर किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो पक्का क्रॉस प्रोडक्ट होता है,
अगर तीसरा वेक्टर किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो पक्का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। देखो जैसे मान लो अगर ए दिया है, देख रहे हो ए बी दिया है, और तीसरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये सी ऐसे है, ऐसे का मतलब ऐसे, तो ये सी पक्का परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सी इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा। 26 के बाद 27 चलते हैं। 27 क्या कह रहा भैया, 27 कह रहा स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज, ध्यान दीजिएगा सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज, ये देखिए सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ध्यान दें सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, देख लीजिए हाँ ठीक है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप प्लस बी कैप क्या है तीसरे सी कैप के बराबर है, तो उनका डिफरेंस क्या होगा, तो पहले ये देख लें, ये क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू वन होता, क्यों याद है ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड, या कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई टू, कितने की वैल्यू होती है वन बाई टू कॉस 60, या थीटा बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए, थीटा बाई टू इक्वल टू, देखिए भाई थीटा बाई टू इक्वल टू 60, या थीटा इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ध्यान दीजिएगा थीटा इक्वल टू क्या है 120 डिग्री, ठीक है ना, तो 120 डिग्री इसका मतलब ये सेकंड तो सही कह रहा है अभी, अब इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या होता है बेटा ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, ध्यान दे टू साइन थीटा बाई टू, या टू साइन 60, साइन 60 कितना होता है रूट थ्री बाई टू होता है, कितना होता है, या टू इंटू रूट थ्री बाई टू, टू से टू कट गया, आंसर कितना आया रूट थ्री, कितना आया रूट थ्री, इसका मतलब ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। 27 के बाद 28 क्वेश्चन, ए दिया है बी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो आपको निकालना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5, ए का मैग्नीट्यूड 5 होगा, ए का मैग्नीट्यूड 5 होगा, और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये 10 होगा, तो ए बाई बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 1/2, ये तो सही है नॉट टू कह रहा है, ए डॉट बी निकालते हैं, 36 18 8 चौके 32 32 32 और 18 कितना होता भैया 32 18 यही नहीं ट्रू हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट नहीं ट्रू हो रहा है ये वाला, क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है 36 18 और 8 चौके 32, हाँ ये आ जा रहा है आपका 40 50 आ जा रहा है, तो ये सी वाला है गलत है, ठीक है। 29 क्या कर रहा है, वेक्टर विच मस्ट बी एडेड वेक्टर इतना सो दैट रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है आप जानते होंगे, दो और तीन में कितना जोड़ा जाए 10 आ जाए, 10 में से पटक के घटा दीजिए, तो अब आप क्या है वाई एक्सिस का मतलब क्या, वाई एक्सिस का मतलब जे है, तो जे में से इन दोनों को पटक के घटा दीजिए, माइनस 3j प्लस 2k प्लस 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, घटा दीजिए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए j माइनस ii पहले 4i कर लीजिए, और ये क्या है प्लस 3j कर लीजिए माइनस 5k कर लीजिए, चलिए j में से इसको माइनस करिए तो माइनस 4i कैप हो गया, ये कितना हो गया माइनस 2j कैप हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 5 के आप हो गया, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, एकदम लग रहा है माइनस 4i माइनस 2g प्लस के बी वाला ऑप्शन, आइए इसके बाद देखते हैं ये 30वां क्या कह रहा है, हाँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ द ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड ऑफ, एंड वी आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए बी बाई टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए बी बाई टू, ठीक है भाई, तो क्वेश्चन के सम्मुख देख रहे हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड साइड हैं, तो साइड होते हैं तो क्या होता है पैरेललोग्राम, ये देखिए ए क्रॉस बी होता है बेटा, तो ये क्या दे रहा है ये ए बी बाई टू दे रहा है, याद करिए मैंने आपको आज ही क्लास में बताया है कि पैरेललोग्राम का अगर साइड दिया है तो उसका एरिया होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई टू, ये देखिए ए बी भी कट गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, कितने की वैल्यू 1/2 होती है बताइए, कितने की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30, या थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, 30 का मतलब 5/6, सिंपल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये देखिएगा ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है बच्चा लोग,
तो आइए ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की वैल्यू देखते हैं। आइए तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, बेटा याद रखना सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ए का बी के साथ माइनस ए क्रॉस बी, बी का ए के साथ बेटा प्लस बी क्रॉस ए, और ध्यान देना बी का बी के साथ माइनस बी क्रॉस बी। बेटा याद रखना ए क्रॉस ए कितना होता है, जीरो। ए क्रॉस बी को आप जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करता है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और ये देखिए ये हो गया बी क्रॉस ए, क्या हो गया, और ये देखिए बी बी कितना हो गया, जीरो। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं टू बी क्रॉस ए, देखिए इसको लिख सकते हैं टू बी क्रॉस ए, देखिए टू बी क्रॉस ए हो गया, टू बी क्रॉस ए कौन सा है ये। 31 के बाद 32 पे चलते हैं। ये देखिए बड़ा सिंपल, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, अब जरा बताइए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो क्या होगा ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए ए बी कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, क्या बच गया ए बी, क्या बच गया ए बी, है कोई ए बी, एकदम है, देखिए ए बी हो गया, कितना हो गया ये ए बी। 32 के बाद 33 देखिए, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये क्लास में मैंने बताया था बेटा कि बी क्रॉस मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर था, ये देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। मतलब क्या, ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, बोलो ए क्रॉस बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट बी इक्वल टू कितना, 0। है कोई ऑप्शन की नहीं है, एकदम है 32 का बी, ठीक है। फिर 34 चलते हैं, ए माइनस बी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ बी, ठीक है ए माइनस बी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप दिया है, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा ए माइनस जे, देखो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा ए माइनस जे, या बी इक्वल टू ए कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप, देख लो प्लस k कैप माइनस j कैप, तो बेटा क्या हो जाएगा 3i, ये तो हो गया 2j में से 2j, और ये क्या हो गया k, तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एकदम है ऑप्शन। 35 क्या कर रहा है, x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a हैव न्यूमेरिकल वैल्यू 6, अच्छा x और y कंपोनेंट कितना है 6 दे दिया है, बहुत सही, और एंड देयर a प्लस b, अच्छा a प्लस b न्यूमेरिकल वैल्यू 10, तो अब आप ax निकाल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b, आप bx निकाल दें, bx कितना निकालेंगे बेटा, a प्लस b कितना दिया है 10, और xy कंपोनेंट x कंपोनेंट कितना है 6, तो x कंपोनेंट 6 है, तो इसका मतलब 10 माइनस क्या करना पड़ेगा 6, 4, by क्या करना पड़ेगा बेटा, by कितना करना पड़ेगा, ये देखिए ये कितना है 9 है, तो 9 में से 6 करेंगे तो कितना बचेगा 3, हां 9 में 6 करेंगे 3, अब b इक्वल टू क्या होगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, क्यों ये होगा b, या b इक्वल टू क्या होगा 4i कैप प्लस 3j कैप, या b का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चा लो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 का मतलब क्या 5, 25 का मतलब कितना हो जाएगा 5, इस तरह से 5 हो गया। 35 के बाद 36 चलते हैं, ये देखो 36 क्या कहा जा रहा है बेटा, 36 कहा जा रहा है कि 5 फोर्स 2 न्यूटन, 36 अच्छा यहाँ, हाँ सॉरी, चलिए सेक्शन बी में चलते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ये है वेक्टर बी इक्वल टू ए पैरेलल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू, तो देखो बेटा अगर ए पैरेलल होगा बी का, तो इसका मतलब पक्का इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो नहीं बोलोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, ठीक है वेक्टर ये कितना है जरा क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, टू आई प्लस पी जे प्लस क्यू के, और वेक्टर बी कितना है 5i प्लस 7j प्लस 3k, है कि नहीं, तो देखिएगा को क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके लिए क्या करते हैं आई कैप छुटुप, ये देखिए 3p माइनस 7q माइनस जे कैप छुटुप 6 माइनस 5q,
प्लस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 × 14 माइनस 5 पे के कैप इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, हो गया कि नहीं। अब देखिए 0 हो गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब बताइए हमको क्या निकालना है, क्यू और पी और क्यू की वैल्यू इतिहास निकल जाएगा। ये देखिए 6 − 5 क्यू किसके बराबर होगा, 6 − 5 क्यू जो है 0 के बराबर होगा, या क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5, इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए हो गया 14 − 5 पी किसके बराबर हो जाएगा, 14 − 5 पी जो है 0 के बराबर, या पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/5। 14/5 कोई ऑप्शन है नहीं है, है ये वाला ही है, तो 6/5। ठीक, तो समझ गया ना कैसे हो रहा है। 37 क्वेश्चन देखिए, 37 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बच्चा लोग, कह रहा 5 फोर्स 2 न्यूटन रूट 3 न्यूटन, 5 न्यूटन रूट 3 न्यूटन, 2 न्यूटन। अच्छा, सिमल्टेनियसली एट ए पार्टिकल पी एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ पार्टिकल पी। अब यहां देखिए रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस में। तो जब उसको तोड़ देंगे तब जाके आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए हम तोड़ते हैं, देखते हैं हमारा काम कितना आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यक्स कंपोनेंट सबका निकाल रहे हैं। देखो यक्स कंपोनेंट, जहां यक्स कंपोनेंट निकलेगा बल्ले बल्ले है, तो यक्स कंपोनेंट ये 2 का, ये 2i कैप हो गया, कितना हो गया 2i कैप हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री पे है तो रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 कॉस 30। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट 3 कॉस 30 आई कैप हो जाएगा। ये देखिए ये 60 पे है, ये 5 वाला, ये क्या हो जाएगा प्लस 5 cos 60 आई कैप हो जाएगा। ये कितने पे, 90 पे है, तो 90 पे होने का मतलब रूट 3 cos 90, रूट 3 cos 90, रूट 3 cos 90 कितना हो गया आई कैप हो गया। और इसको ऐसे इधर बैक करें, ये 30 है तो इधर से 60 होगा, तो ये क्या हो जाएगा इधर की तरफ माइनस 2 cos 60 आई कैप हो जाएगा। पहले एक को सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि जब तक ये आर एक्स आर वाई निकलेगा नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। पहले इसको सॉल्व कर ले, आर एक्स सॉल्व कर ले आराम से, 2i का है, जब भी बड़े क्वेश्चन आए cos 30 रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 का मतलब 3/2i का, cos 60 1/2 होता है, 5/2i का, cos 90 0 होता है, माइनस 2 cos 60 कितना हो गया माइनस 2/2 आई कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये कितना हो गया 3/2 5/2 कितना, 5 × 3 = 8 में तो 4 × 2 = 6 में से एक गया 5 आई कैप हो गया। ये आर एक्स बचा, क्या बचा, ये आर एक्स, मतलब आर एक्स जो हो गया वह कितना है 5 आई कैप है। कहीं गड़बड़ होगा बेटा तो नहीं आएगा फिर, ठीक है, कोई बात नहीं, गड़बड़ होगा तो तुम लोग ट्राई करना। हाँ 30 60 90 रूट 3, हाँ सब तो सही किया है हमने, इधर से 30 है तो इसका मतलब इधर से 60 है, 2 cos 60 ले लिया। अब चलो जरा आर वाई निकालते हैं, आओ आर वाई निकालते हैं, ठीक है आर वाई निकालते हैं। देखो आर वाई क्या होगा, आर वाई के लिए बेटा अब वाई कंपोनेंट में सबको तोड़ना पड़ेगा, तो वाई कंपोनेंट में ये वाला तो भाई साहब वाई कंपोनेंट में है ही, ये तो एकदम देख रहे हो रूट 3 जे कैप एकदम जबरदस्त है, रूट 3 जे कैप। अब इनको तोड़ना पड़ेगा y कंपोनेंट में, तो इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए 5 है, तो थीटा के पास वाला क्या होगा cos, कैसे भी कर सकते हो, मतलब इधर से लोगे तो 60 डिग्री, इधर से लोगे तो 30 डिग्री, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 अभी नहीं कि सर आप क्यों इधर की तरफ, हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके पास वाला क्या होगा 5 cos 30 आई कैप हो जाएगा, 5 cos 30 आई कैप हो जाएगा। रूट 3 ये देखिए रूट 3 cos 60 आई कैप हो गया, और ये देखिए इधर से 90 है तो 2 cos 90 सॉरी जे कैप होगा, सब जे कैप में होगा, सब जे कैप होगा, जे कैप हो गया cos 90। और इसको देखिए ये क्या करेंगे 2 cos 30 जे कैप हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आर वाई, ये देखिए रूट 3 जे कैप हो गया, cos 30 कितना होता है रूट 3 5 रूट 3 ठीक है बाई 2 जे कैप हो गया, cos 60 हो गया 1/2 ये प्लस रूट 3 बाई 2 जे कैप हो गया, ये वाला 90 हो गया खत्म हो गया, 2 cos 30 कितना हो गया 2 रूट 3 बाई 2 जे कैप, 2 खत्म हो गया। अब देखो रूट 3 ये कितना है सबका, यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए सब आर वाई इक्वल टू क्या होगा, ये सबको 2 से एलसीएम ले लीजिए, 2 रूट 3 आई कैप, 5 रूट 3 जे कैप, और ये देखिए ये रूट 3 जे कैप,
और ये क्या टू रूट थ्री जे कैप अपॉन टू, तो कितना हो गया 5 6 तो 8 2 10, यानी ये हो गया 5√3 जे कैप। ये क्या निकल गया बेटा, आर वाई निकल गया, क्या निकल गया आर वाई। अब रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या होगा देख लो, आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, देखो ऐसे निकालते हो आर एक्स प्लस आर वाई, देखो इस तरह से, या आर इक्वल टू आर एक्स कितना होगा ये बताओ, आर एक्स कहाँ गए भाई 5i कैप, और ये आर वाई कितना होगा 5√3j कैप। आर का मैग्नीट्यूड क्या देखोगे, आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 25 × 75 ये कितना हो गया 100, 100 का मतलब कितना हो गया 10। अब 10 दो ऑप्शन है तो कितना एंगल बनाएगा देखते हैं, 10 न्यूटन कितना एंगल बनाता है, तो 10θ = y component upon, ठीक है 10θ = y component upon x component, ठीक। तो अब देखिए 10 न्यूटन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एक ऑप्शन है 10 न्यूटन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, तो भैया 10θ = हम ये लेते हैं y component upon x component, y component कितना है 5√3 upon 5√3, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है 60 डिग्री, मतलब यक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री आ रहा है, कितना रहा है इसमें तो बी दिया है जी, वाई एक्सिस से कहां, वाई एक्सिस से तो नहीं बैठ रहा है, वाई एक्सिस से नहीं बैठ रहा, देखो कहीं कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ कहीं चेक कर लेना बेटा, ठीक है। अब हम इसको आंसर को करने जा रहे हैं ए, क्योंकि हमारा ये देखिए भाई 10θ = y component upon, यानी यक्स एक्सिस से ही तो हम एंगल लेंगे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, तो हम आंसर को चेंज करने जा रहे हैं ए करने जा रहे हैं, ठीक है ना, 10 न्यूटन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक चलो सही कर देंगे, कहीं कुछ प्लस माइनस देख लेना बेटा, ठीक है ना, प्लस माइनस समझ गए हो ना कैसे है भाई, सबको एक बार एक्स एक्सिस में रख दो, सबको एक बार वाई, ये देखना ये 90 डिग्री है, और फिर उसके बाद आर एक्स प्लस आर वाई, सारा आसान है। 37 के बाद 38 देखिए क्या करा है, वेक्टर ए इज द लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 60 डिग्री पे है, ये देखिए 60 डिग्री पे है, और फिर करा वेक्टर बी इज द लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, ये चलो भैया 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस है। करा द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यानी सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो बेटा 2 है तो ये क्या होगा 2 sin 60 और ये क्या हो जाएगा 2 cos 60, कितना हो जाएगा ये देखिए 2 sin 60 और ये क्या हो जाएगा 2 cos, हाँ 60 हो जाएगा 2 cos 60 हो जाएगा 2 sin 60, ये देखिए सिमिलरली 2 cos 60 कंपोनेंट ब्रेक करिए और ये वाला 2 sin 60 आ जाएगा, तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल कर दिए, सारा फोर्स सेम एक्स डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 2 cos 60 यानी 2/2 यानी 1 1 2 होगा, 2 along plus x axis 38 के बाद 39 चलते हैं, क्या करा 2 vector A and B हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, चलिए बड़ी अच्छी बात है, आज ही एक क्लास में क्वेश्चन कराया है मैंने, ठीक है, तो करा है कि भैया एंगल क्या होगा, तो ये देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी n टाइप ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, n टाइम ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, ठीक है, करा एंगल बिटवीन ए एंड बी, चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, n का स्क्वायर n स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्वेश्चन में करा ए और बी आपस में बराबर है, कर दीजिए बराबर, ए की जगह बी रख दीजिए या बी की जगह ए रख दीजिए, चलिए ए की जगह बी रख देंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a² cos थीटा n स्क्वायर a² माइनस 2a² cos थीटा, चलिए सब कॉमन हो गया 2 + 2 cos थीटा n स्क्वायर 2 - 2 cos थीटा, अरे यो बच्चों अब कैसे होगा 2 कॉमन होके कट गया 1 + cos थीटा n स्क्वायर 1 - cos थीटा, अब यहां से हमको n की वैल्यू निकालनी है मतलब थीटा की, तो थीटा की निकालने के लिए अब क्या करेंगे n को इधर उधर कर दें
इधर उधर करने का मतलब इधर कर दें, चलिए ये देखिए फिर इधर कर देते हैं, ये देखिए वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा। चलो इधर आओ, एन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन कॉस थीटा, कॉमन हो गया एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पी वाला होगा। 39 के बाद 40 पे आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जरूर लगाइए बच्चों। हाँ, इस क्वेश्चन को लगाएंगे आपका रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एज शोन अलोंग साइड, वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, देखिए वेक्टर ए दिया है और क्या दिया है वेक्टर बी दिया है, कहा जा रहा है वेक्टर ए माइनस बी कैन नॉट बी, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करोगे तो उसको उल्टा करोगे। अब देखो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो अब ये देखिए इसमें कौन कौन रिजल्टेंट हो सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं डी ही होगा, ये बी भी हो सकता है। मान लीजिए अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बी का तो ऐसे होगा, बी का और मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा कि नहीं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, कभी ए और बी के बाहर नहीं जा सकता है, तो ये वाला कभी नहीं हो सकता है, कौन सा सी वाला कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 41 का रहा बेटा, टू फोर्स अपॉन एफ टू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन, तो देखो बेटा अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो आपको मालूम होगा, आपको पता होगा बच्चा क्या, कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो 2f ये क्या होता है cos थीटा बाई 2 होता है, और इनका अगर डिफरेंस हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं डिफरेंस, तो ये क्या हो जाता है 2f sin थीटा बाई 2 हो जाता है। करा मैग्नीट्यूड ऑफ f1, मतलब f1 का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देखो क्या क्या दे रहा है, कैसे कैसे दे रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि टू फोर्स एफ वन एफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस रिजल्टेंट ऑफ 4, मतलब एफ वन प्लस एफ टू टू एफ कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, और टू एफ साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2√5। ये देखो टू एफ को डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, तो कुछ आ नहीं रहा है कि क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन बताना है, क्या बताना है एफ वन का मैग्नीट्यूड बताना है भाई, चलिए देखते हैं क्या आता है, ये रूट फाइव ही है ना, 2√5, तो इसको इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा जरा बताइए, टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू रूट फाइव बाई कितना आएगा 2, ये अपॉन ये कर दिया हमने, ठीक है, हमको क्या निकालना है एफ वन, तो हम जरा मतलब एफ वन या एफ टू बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है, तो अगर हमको कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू पता चल जाए तो पता चल जाएगा, तो आइए चलिए देखते हैं, ट्रायंगल रूट ये थीटा बाई 2 है, ये रूट फाइव है और ये 2 है, तो जरा इसको निकाल लेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो क्यों आ नहीं रहा है भाई, कोई एक आ जाएगा तो आ जाएगा, कोई एक आ जाएगा तो आ जाएगा, क्या करा है एफ वन एफ टू ऑफ इक्वल मैं प्रोड्यूस रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन, ये तो सही लिखा है, cos थीटा बाई 2 ही ना होता है प्लस, हाँ सही होता है, ये भी सही लिखा है हमने 2f sin थीटा बाई 2, और ये कितना है 2√5, तो ये क्या हो गया रूट फाइव बाई 2 हो गया थीटा बाई 2, और ये क्या हो गया रूट में 5 माइनस 4 यानी 1 आ जाएगा, कितना जाएगा 1, ना 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 अरे यही तो गड़बड़ा रहा है, अरे फिजिक्स, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर रूट ये 3 आ जाएगा भाई। अब देख लो कोई एक ले लो, चाहिए इक्वेशन ले लो चाहिए, ठीक है, हाँ देखो कोई एक इक्वेशन ले लो भाई, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू ले लेते हैं, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 2/3, अब यहां से देखिए हमको f की वैल्यू निकालनी है, तो f की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 2f cos थीटा बाई 2 2/3 और इक्वल टू 4, ये देखो 2 2 2 4 कट गया, f की वैल्यू कितनी हो गई 3, f की वैल्यू कितनी हो गई 3, f की वैल्यू 3 हो गई। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, अब एक बात ध्यान देना बेटा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 से 90 डिग्री तक होता है, हाँ 0 से 90 डिग्री तक होता है, ध्यान देना, तो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है, एकदम ध्यान दो, हाँ 0 से 90, और 90 से 180 डिग्री के बीच में बेटा वेक्टर ए प्लस बी
लेस देन वेक्टर ए माइनस। तो अब देख लो क्या एंगल है, 120 डिग्री है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वह ए माइनस बी से मस्ट बी लेस होगा। ये देखिए मस्ट बी लेस होगा, तो इसको याद के रहना, 0 से 90 डिग्री तक वेक्टर सम इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिफरेंस, 90 to 180 वेक्टर सम इज लेस देन डिफरेंस क्या मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो इसीलिए सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी। 42 के बाद 43 देखते हैं, वेक्टर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। हाँ देखिएगा भाई सेक्शन बी में अच्छे क्वेश्चन है, सेक्शन बी में थोड़े से भैया क्या धांसू टाइप के क्वेश्चन है। हाँ सेक्शन ए तो भैया एक एक लाइन का था, लेकिन आपको उसमें चूज कर रहा हूं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, जो छोड़िएगा उसको भी घर पे लगा लीजिएगा, जैसे दसी करना होता है तो 5 जो आप छोड़ेंगे ना उसको भी आप लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा उसको भी लगा लीजिएगा, हाँ उसको भी लगा लीजिएगा। वेक्टर ए बी सी डी ई एफ विथ मैग्नीट्यूड 3, 2, 3, 5, 6, 4 इस बटे शोन इन द फिगर, करा है ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 प्लस डी बाई 5 प्लस ई बाई 6 प्लस एफ बाई 4 क्या होगा। तो ए कितना है भाई, ए कितना है भाई, ए है 3, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 5, ये क्या है 6, ये क्या है 4। तो चलिए ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए को हम लिख सकते हैं 3i। बी को क्या लिख सकते हैं भाई, बी बाई 2 है, बी बाई 2, तो बी को दो कंपोनेंट में तोड़िए, एक लिख सकते हैं बी कॉस 30, एक बी साइन 30 लिख सकते हैं। देख लीजिए बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं हाँ 2 क्या 2 क्या cos 30 i कैप प्लस साइन 30 j कैप, तोड़ दिए हम अपॉन 2। अब c को क्या लिख सकते हैं, c c c c इधर है, c इधर, तो c को इधर है, इधर लिख सकते हैं, इधर ब्रेक करेंगे, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, ये देखिए 3 माइनस cos 30 i कैप और प्लस ऊपर क्या जाएगा इसका, इसका कंपोनेंट साइन 30 जे कैप अपॉन कितना हो गया 3। डी भी है, अभी डी है, डी को क्या लिख सकते हो, डू इधर की तरफ है, डी इधर की तरफ है, तो इसको लिख सकते हो माइनस 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 5 आई कैप लिख सकते हो। अब ई को तोड़ना है, ई को तोड़ो, देखो सब कोऑर्डिनेट में हम बताए थे, समझाए थे क्लास में, तो अब देखिए इधर की तरफ है तो 30 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री ले लेंगे तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस अभी 6 लिखिए, 6 इधर की तरफ, अरे बोलो ना भैया माइनस 6 कॉस 30, बोलिए माइनस 6 कॉस 30, माइनस 6 कॉस 30 आई कैप 6, और इधर की तरफ माइनस 6 तो लिख ही दिए, कितना 6 लिखोगे, अब माइनस इधर की तरफ कॉस साइन 30 जे कैप अपॉन 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 6, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब चलिए 4 को, 4 को लिखते हैं प्लस 4, 4 है भी, फोर है भी, ये 30 कॉस 30 आई कैप, इधर की तरफ माइनस साइन 30 जे कैप अपॉन 4। थोड़ा सा हमने ये क्वेश्चन टफ नहीं हो गया, लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, सेक्शन बी में है लेंदी ये सब क्वेश्चन आप लोगों के। कॉस 30 कितना होता है, बोली भैया सारा कॉस 30 वाला एक साथ कर दीजिए, देखिए कॉस 30 से कॉस 30 उड़ गया, उड़ गया कि नहीं, और भी कुछ उड़ रहा है, देखिए सब कॉस 30 वाला उड़ जा रहा है भाई, सब कॉस 30 वाला उड़ जा रहा है, देखिए अब देखिए साइन 30 से भी कुछ उड़ जा रहा है, साइन 30 से भी, ये देखिए देखिए साइन 30 से भी उड़ गया भाई, अरे यही देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, हाँ साइन 30 और कुछ साइन 30 उड़ा, साइन 30 और तो नहीं उड़ा, हाँ माइनस प्लस में कहीं गड़बड़ी, कहीं भी गड़बड़ी आएगी तो भाई देखिए आने वाला नहीं है, तो 3 आई और ये कितना हो जाएगा माइनस 5 आई, ये देखिए एक साथ आ गया ये माइनस 5 आई, और यहाँ क्या होगा जब इसको तोड़ेंगे तो ये माइनस साइन 30 जे कैप, इसको तोड़ेंगे तो माइनस साइन 30 जे कैप, ठीक है ये देखिए माइनस साइन 30 जे कैप, कहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या भाई, ये प्लस ओहो ये प्लस इसको खाटेगा, ये वाला माइनस इसको खटेगा, अब सही है सब कट बिट गया, 5 में 3 आ गया कितना आ गया माइनस 2 आई कैप, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो पूरा मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो ठीक है वेरी सिंपल क्वेश्चन। 44 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, फॉर ए गिवन फिगर ए का मैग्नीट्यूड 5 दिया है बच्चों,
अब बी का मैग्नीट्यूड 10, सी का मैग्नीट्यूड इतना, तो कह रहा क्या होगा? तो पहले ये बताइए ए बाई फाइव हमको निकालना है, तो ए किस दिशा में है ये पहले बताइए, ए किस दिशा में है? ये देखिए ए किस दिशा में है, ए जो है वह आपका जे कैप में है, तो ए क्या हो जाएगा? फाइव जे कैप अपॉन पांच। बी, बी इधर की तरफ है, इसका मतलब टेन आई कैप अपॉन टेन। अब सी, अब सी को दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा आपको, तोड़ेंगे तो देखिए ये 45 है, तो सी को दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा आपको, और सी को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सी है कितना? फोर रूट टू। फोर रूट टू का मतलब ये आ गया फोर रूट टू कॉस 45, और ये क्या आ गया? ये देखिए ये आ गया फोर रूट टू साइन 45 आ गया। भैया दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं कि नहीं? देखिएगा इसका तीर इधर है, तीर तीर तीर, नहीं ध्यान देंगे तो खत्म कहानी। हाँ खत्म कहानी, किधर की तरफ लगेंगे। अभी सब ले देके आएगा आपका आंसर, सब ले देके आएगा। कैसा है? सब ले देके आएगा, इसकी चिंता मत करिए। तो ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा? फोर रूट टू इधर की तरफ आएगा साइन 45, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू का मतलब माइनस फोर आई कैप हो गया, माइनस फोर आई कैप। आई देखिए इधर की तरफ ये भी वन बाई रूट टू माइनस फोर जे कैप हो गया, अपॉन कितना हो गया? टू। ये दस से दस कटा, पांच से पांच कटा, ये बताइए जे कैप, टू जे कैप प्लस टू आई कैप माइनस फोर आई कैप माइनस फोर जे कैप, क्यों भैया? यही नया? अच्छा इसको कौन जरूरत है करने की, इसको यहीं से क्या है, नीचे टू है ये कर दीजिए। ये देखिए जे कैप प्लस आई कैप माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप या माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये बताइए माइनस आई कैप माइनस जे कैप किस क्वाड्रेंट में रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा, समझ गए ना? तो कितना बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा। 45, ए स्ट्रिंग इज पुल्ड विद ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन, कितने फोर्स है? 100 न्यूटन, ये देखिए 100 न्यूटन। अलोंग ए बी एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, राइट एफ, ठीक है राइट एफ, आपको राइट एफ क्या है? एज ए फैक्टर, एफ एज ए फैक्टर, राइट एफ एज फैक्टर। तो चलिए भैया हम कैसे करें, तो 100 न्यूटन का है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे ऐसे, तो ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए, तो पहले ये बताइए कैसे निकलेगा? ये यहां तक वन है, यहां तक चार है, तो ये तीन हो जाएगा, यहां तक पांच है, यहां तक चार है, यहां तक पांच है, यहां तक चार है, यहां तक पांच है, यहां तक चार है, अरे भाई यहां तक पांच है, यहां तक चार है, नहीं नहीं यहां तक पांच है, सॉरी यहां तक एक है, यहां तक पांच है, ये कितना हो गया? चार। तो ये चार हो गया, ये तीन हो गया, इससे आपको टेन थीटा निकलेगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा? फोर बाई थ्री। अब बताइए जब इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा? ब्रेक करेंगे तो हंड्रेड कॉस थीटा आई कैप आएगा और हंड्रेड साइन थीटा जे कैप आएगा, ये ना होगा? थीटा के पास वाला कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा। अब जरा ब्रेक करिए, ब्रेक करिए भाई, ब्रेक करिए, टेन थीटा फोर बाई थ्री है, तो टेन थीटा फोर बाई थ्री है तो कॉस थीटा कितना होगा? बोलिए कॉस थीटा होगा थ्री बाई फाइव। साइन थीटा कितना होगा? फोर बाई फाइव। ये सब बहुत बताए हैं आप लोग को, आप लोग इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन देखिए कितना आ रहा है, सौ कॉस थीटा थ्री बाई फाइव आई कैप और प्लस सौ साइन थीटा कितना आ रहा है बेटा? फोर बाई फाइव जे कैप। ये पांच से ये कितना हो गया? 60 आई कैप। ये क्या हो गया? 80 जे कैप। 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप, ये भी 45 का भी, 45 बाद 46 क्वेश्चन। थ्री वेक्टर ए बी बी आर ए फॉलोइंग रिलेशन, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए इक्वल टू रूट थ्री सी। ए इक्वल टू कितना है भाई? हाँ रूट थ्री सी है, ठीक है, बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपसे कहा जा रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन, हाँ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है भाई, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो थ्री वेक्टर ए बी सी बियर द फॉलोइंग रिलेशन, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, ए इक्वल टू रूट थ्री सी। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? तो बहुत आसान, यहां क्या कहने का मतलब है? यहां कहने का मतलब है बेटा, ये कहने का मतलब है b इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब इसमें रिजल्टेंट b है, ठीक है, और b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब पैथागोरस थ्योरम बनेगा, यानी b ऐसे बनेगा, ये देखो ठीक है, पैथागोरस थ्योरम बनेगा, a ऐसे बनेगा। आज ये देखिए b परपेंडिकुलर है भाई a और c, रुकी रुकी रुकी, ट्रायंगल अभी बनाने दीजिए, a इक्वल टू रूट थ्री सी है ना, तो यहाँ a माइनस बी, एक मिनट बस थोड़ा सा ध्यान दें, हमको थोड़ा समय दें। हाँ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू ए प्लस सी है, पक्का बी रिजल्टेंट होगा।
हाँ मतलब बी रिजल्ट, और बी इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसका मतलब ए और सी कैसे, मतलब ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे भैया, ऐसे बनेंगे, यानी बी ऐसे हो गया, ठीक है, बी सॉरी बी नहीं, फिर गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भैया, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, अरे ए ऐसे बनेगा, ठीक है ना, और सी ऐसे बनेगा, ये देखिए सी ऐसे बनेगा, और बी ऐसे बनेगा, ये देखिए बी बनेगा, ठीक है, हो गया रिजल्टेंट, वही बात नहीं है, रिजल्टेंट ना होना चाह रहा था ना तुम, हो गया, और क्या, ऐसे बनेगा, तो करा ए इक्वल टू रूट थ्री सी, चलिए भैया ए इक्वल टू रूट थ्री सी, तो किसके किसके बीच का एंगल पूछा, ए और बी, ए और बी के बीच का एंगल ये होगा, तो चलो देखते हैं ए और बी के टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वन बाई रूट थ्री, टेन थर्टी, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा थर्टी, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थर्टी होगा, बी और सी के बीच का एंगल सिक्सटी, और ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा नाइनटी, तो क्या कह रहा है बी और सी के बीच का क्या कह रहा है थर्टी, गलत, ए और बी के बीच का सिक्सटी कह रहा है, गलत, ए और सी के बीच का सिक्स, अरे भैया ए और सी के बीच साफ नाइनटी नहीं दिख रहा है, तो कौन सा ए और बी के बीच का थर्टी, फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन के बाद फोर्टी सेवन चलते हैं, हाँ, द वेक्टर कंपोनेंट अलोंग, अब देखिए सब बताया था हमने क्लास में, जब भी वेक्टर कंपोनेंट निकालना क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी अपॉन बी का स्क्वायर, याद करिए बताया था मैंने क्लास में, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा तीन प्लस चार प्लस पांच, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए अंडर रूट बी का, हाँ बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा, और बी वेक्टर कितना हो जाएगा आई प्लस जे प्लस ए, तो चाहो तो ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो भाई, वेक्टर बी होना चाहिए, एक यही दिख रहा है, तो चाहो तो बिना साल किए ही मार दो, ये सी वाला सही होगा, लेकिन कर लो सही, पांच चार नौ तीन बारह, और ये क्या हो गया रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है भैया, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री होता है, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री, और ये कितना हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये देखिएगा रूट में बी का स्क्वायर है, कुछ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या, मतलब अब नहीं करेगा तो उसी को तो कर सकते हैं, मतलब ये तो होना ही चाहिए, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो हमने लिखा ही है, बी का स्क्वायर क्या लिख दिया है, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, कहीं कोई प्लस माइनस में गड़बड़ी, तीन चार पांच, पांच चार नौ तीन बारह सही है, पांच नौ तीन बारह, बारह सही है, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया, अब ये फोर बाई रूट थ्री कैसे हो गया, मतलब सी ये तो पोर्शन सही है, इतने से आप काम चला सकते हैं, यहाँ क्यों फोर बाई रूट थ्री कर दिया है, यही कुछ गड़बड़ कर दिया है बेटा, फोर बाई रूट थ्री, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, अरे बात तो वही है, मैथ से फंसाया है भाई, देखिए रूट थ्री से ऊपर नीचे, नहीं नहीं रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फोर रूट थ्री होगा ना, ये थोड़ा सा यही बेटा ये गड़बड़ कर दिया है, ये ट्वेल्व बाई थ्री होगा, लेकिन तब भी दिख रहा था इसलिए सी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है ना, वहां गड़बड़ हो गया है। 48 देखिए क्या कर रहा है, गिवन दैट ए प्लस बी सी सी इज परपेंडिकुलर फर्दर ए इक्वल टू सी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो देखिए सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी परपेंडिकुलर ए पे है, तो वेक्टर ए बनाओ, अभी बताओ सी को कैसे बनाओगे, ये सी को बनाओगे, अभी बताओ बी को कैसे बनाओगे, टुटुक ये बी को बनाओगे, अब बताओ ए और सी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, ए और सी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये देखो बाहर वाला एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा भाई बाहर वाला, बाहर वाला एंगल के लिए पहले एंगल अंदर का एंगल निकाल लीजिए, अल्फा टेन अल्फा कितना हो जाएगा यक्स बाई यक्स, यानी अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 तो बाहर वाला 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री का मतलब 3 पाई बाई 4, ये सी। 48 के बाद 49 चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है, ध्यान देना a1 एंड a2 टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा ये यूनिट वेक्टर दिया है, क्या दिया है यूनिट वेक्टर, इफ a1 प्लस a2 इज इक्वल टू रूट थ्री, a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड जो है वह किसके बराबर है रूट थ्री के बराबर, a1 प्लस a2 का, देन वैल्यू ऑफ a1 माइनस a2 डॉट टू a1 प्लस a2 एच, हाँ देन वैल्यू ऑफ a1 माइनस a2 टू a1 प्लस a2 एच, तो a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड रूट थ्री के बराबर है, तो इससे आप देखिएगा यूनिट वेक्टर है ये, हाँ इस पे कैप नहीं लगा है, हमने आपसे क्लास में कहा था यहां लिखा है यूनिट वेक्टर,
हाँ तो ए वन प्लस ए टू क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू रूट थ्री, या कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू कितना होगा बेटा, रूट थ्री बाई टू। कितने बाई रूट थ्री बाई टू होती, कॉस थर्टी, हाँ, या थीटा इक्वल टू कितना हो गया, सिक्सटी, सिक्सटी हो गया। अब कह रहा है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो ए वन कैप का ए वन कैप से मल्टीप्लाई करो, ए वन कैप का स्क्वायर, ए वन का ए टू से, प्लस ए वन कैप डॉट ए टू कैप, ए टू का ए वन से, माइनस टू ए वन कैप डॉट ए टू कैप, ए टू का ए टू से, माइनस ए टू का स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन, ये कितना हो गया माइनस ए वन कैप डॉट ए टू कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस वन, वन से वन कट गया, माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस, अरे भाई माइनस 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 नहीं दिया, माइनस कॉस सिक्सटी हो गया, कॉस थीटा, या माइनस वन बाई टू, माइनस नहीं दिया है तो प्लस वाले पे टिक कर, कोई बात नहीं, ये कहीं दिया है ना, ठीक है। हाँ तो वैल्यू पूछ रहा है, ये हो गया 49 के बाद 40, 50 पे चलते हैं। क्या कर रहा है, टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो बेटा ये भी देखना यूनिट वेक्टर है, हाँ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो बेटा अगर परपेंडिकुलर टू इच अदर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर बोले जीरो होगा इनका डॉट प्रोडक्ट, आइए इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या ए कैप प्लस टू बी कैप डॉट फाइव ए कैप माइनस फोर बी कैप, देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो ए कैप का ए कैप के साथ फाइव ए कैप का स्क्वायर, ए कैप ये माइनस फोर ए कैप डॉट बी कैप, इसका इसके साथ प्लस टेन ए कैप डॉट बी कैप, टू बी कैप का इसके साथ माइनस एट बी कैप का स्क्वायर। अब देखिए पांच, दस में से चार गया, कितना बचा छः, ए कैप बी कैप, और ये कितना बचा माइनस आठ, आठ में से पांच गया कितना माइनस तीन, छः ए कैप डॉट बी कैप। देखिए ए कैप डॉट बी कैप कितना होता है बोलिए, माइनस थ्री प्लस छः कॉस थीटा, माइनस थ्री प्लस छः कॉस थीटा का मतलब कॉस 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 कितना, वही तो कॉस निकालना है, अरे भैया ये सब जीरो हो जाएगा, ये तो किए ही नहीं हम, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर जीरो हो जाएंगे, तो इनको जीरो कर दीजिए, जीरो कर देंगे तभी ना आंसर आएगा, ठीक है। अरे कहे नहीं मट रहे हैं आप लोग, ये देखिए जीरो करिए ना, जीरो जीरो करेंगे तो ये देखिए इधर आ जाइए, जीरो करेंगे तो इधर आ जाइए, माइनस थ्री प्लस सिक्स कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, या कॉस थीटा इक्वल टू थ्री बाई सिक्स, या कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई थ्री, या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई थ्री, कॉस इनवर्स वन बाई थ्री, कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला, ठीक है ना, सी है कि बी है, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इसमें तो बी दे रहा है भाई, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा क्या हमको, फिर से देखिए टू ए कैप, इसमें तो बी ऑप्शन दे रहा है, ए कैप बी कैप, ए कैप दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आराम से लगाते हैं, हड़बड़ी में नहीं, हड़बड़ी में हो जाती है गड़बड़ी, ठीक है, फाइव ए कैप माइनस फोर बी कैप इक्वल टू जीरो, ये देख लीजिए। चलिए कैप का ये पांच ए कैप का स्क्वायर हो गया, इसका माइनस फोर ए कैप डॉट बी कैप हो गया, टेन ए कैप डॉट बी कैप हो गया, माइनस एट बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये पांच बचा, दस में से चार गया कितना बचा छः ए कैप डॉट बी कैप, और ये माइनस एट बचा, आठ इधर आ गया क्या हो गया माइनस तीन प्लस छः ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस तीन ए कैप डॉट बी कैप कितना हो गया छः कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, छः कॉस थीटा कितना हो गया, ये देखिए छः कॉस थीटा इक्वल टू थ्री, कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू, सही है कॉस सिक्सटी, हड़बड़ी में हो जाता है गड़बड़ी, इसीलिए करिए आराम से। तो ये बेटा 50 क्वेश्चन हो गए हैं, इनको घर जाके फिर एक बार लगा लीजिए ताकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिए, अगर नहीं करेंगे तो भैया इनका परिणाम आपके लिए क्या होगा, बहुत ही दुखद होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चा। तो अब कल का देख लीजिए, अब आपका टेस्ट जो है, हाँ ये आपका यहां से शुरू है, जितना टेस्ट हुआ है इधर बेटा एक दो तीन चार, उन सबका मिक्स्ड टेस्ट है ये, क्या है ये, हाँ मिक्स्ड टेस्ट है, ठीक है बेटा, इन सबका मिक्स्ड टेस्ट है, इसको देते रहिए अच्छे से, सॉल्व करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस, थैंक यू।